गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। तो मैं फिर आ गई हूँ गाइस एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तो गाइस आज मैं बहुत दिन के बाद फिर आई हूँ मनी मिराज भैया का एक कॉमेडी वीडियोस के साथ, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रही थी कि आप पवन जी के साथ साथ मनी मिराज भैया का भी वीडियो पर रिएक्ट कीजिए। तो इसलिए मैं फिर से लेके आई हूँ। बहुत पहले मैं रिएक्ट करती थी बट बीच में नहीं कर रही थी, बट फाइनली आज मैं फिर लेके आ गई हूँ मनी मिराज भैया का कोई एक न्यू कॉमेडी को। तो आज का इसमें जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ ऑन द वीडियो अम ससुराल के फुल कॉमेडी वीडियो रियाज प्रेमी टीम मनी मिराज। ओके तो अभी तो आम का ही सीजन है गाइस, अभी तो फिलहाल बारिश का टाइम आ गई, मतलब कुछ दिन पहले तक आम का सीजन था, अभी भी है, खत्म नहीं हुआ अभी तक। तो चलिए देखती हूँ कि ससुराल के आम क्या है, कैसा है वो जानना चाहते हो। तो चलिए मैं देख लेती हूँ वीडियो को, फिर करती हूँ आप लोगों से बातें। बट उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टा पे बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को रील्स देखने को मिलेगा, ठीक है, तो फॉलो जरूर करना। तो चलिए वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। आराम पाके लड्डू हो गेल, एगो खाइला के बाद मिजाज मस्त हो जाई। तलावन एगो आमवा में से मिजाज खराब बखा के मस्त हो जाओ। बहुत ज्यादा आमवा खाइबे जरका रुवा वाला मीठो के स्वाद मिलता हो। दोगला चोर सरउ आम के नाम ले रहते तही तो काम क्रिया कर दे। नाना हां नाती कहत नी एगो आमवा में से खा ली आखिर हमरी घरे नी जाता। नाती हो कितना बढ़िया था लॉलीपॉप चूसता रहा कहला नाना जी के लाड़वा चूसला बेचैन बारा। ओहो तोरा दाई के मुंह में क्या है यार, बच्चा है छी। फिर ही अगर नाना जी ने देख लिया ना हमार जूजी चूसा ना ये काम के लिए तो पूछता हूं आमो काए फटल बा तो कहे कि सुगा खा ले बा। सुगा हां कहे सुगा मामा खा ले बारन। अब कहो रे मने बेटा के मुंह के चूसा लाम छीन लेला। ए त माना कहे त काए हम चुरा खा ले रे सरवा। ए हटा ना लाड़ मजाक करे बर बाबू जी हे राम चूता सरवा। अरे रे यार आम मुझे की कॉल लगाई करता है ऐसा। अब गान में दमा तो बोला ना, बोला गान में दमा तो बोला। अरे बाप रे बाप, अरे बाप सही हुआ है काम के लिए बहुत ज्यादा। अरे बाप नाना हो काहे ल रोत तरह ए बेटी चल खाना निकाल चल नाती। हाय बेटी अरे बाप रे 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 धीरे आ। अरे बेटी आने से पहले आप बाबूजी प्रणाम। पूछ रहा बेटी कितना लिए नहीं आम लिया तो नहीं है 5 किलो लेकिन 500 ग्राम नहीं किया बचा सारा मैं शुगर वसा लूट के शुगर लेखन खा गए। चुप रही, मैं तो रहूँगा कि पढ़ में हाँगा हाँगा के मारूँ।
प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। अब रहुए समझाऊ, हमरा बस के बात नहीं खे। अच्छा ये सब देवर ही है। पाँच दिन मामली आ रही है, सब सर्वा से पूता लगन झुक के खा गए तो पिटाओ ना। ओकनी के लड़का बा तो लूट के खा लेलक। रउआ कौन लड़का रानी है कि लूट के खैनी है? पूरे लड़का बना तनी चाचा से कह गाओ तो भगाओ, लेकिन हमारा दादा के मत भगाओ, हम वो भुला देम कि मनाना हो। चरहु नाने केने खैला पोसैला आ दादा के गीत गावत रहा, मार छौकी के गारे लाल कर देम। छोड़ जाए दे बेटी, जे भेल से गेल, जे आम बचल से ले जो घर में। ओमे बचल कथी बा? दो तीन गोता बा। यो दे दऊ भाई कोरिया सा, खा के ढीर भर ले। तू जा अपने दादा के गाना सुन। चलो बाबूजी घर अपना गाछ पर के गछ पकवा हम खाएं तूर के। जाता था जाए दे। अरे बाप रे, अरे माई रे, अरे बाप रे। माली हम बेटा के छोड़ दो जाओ, तेरा को बेटी पर से ये को बेटा भेल बा। सुन ल, एगो एकर बाप बा 14 गो बाल बच्चा पैदा कइले बा, एगो तू बा हमरे के पैदा कर बुढ़ा गेला। एकरा बाप के गान में ज्यादा दम रहे, एही से 14 गो लइका पैदा कइला, हमरा में दम ना रहे, एही से तोरा जैसन दोगला 14 लइका पैदा कइनी। ठीक कह तनी मालिक, अब रउ के गान में जितना दम रही ननु पैदा करम, लेकिन ई बात ई दोगला के 14 समझे तब ना। चल बउओ, ई काम ना सरवा के लई कर लो, मुंह में मुत के चल गए। मुंह में मुतवे वाला काम करबा तो मुंह में मुती ना। ए ले जा एकरा के घरे, एकरा के समझा दिए दोबारा हमरा गाछी में लौके ना, ना तो साले के रान फाड़ देम। ठीक बा मालिक। साला इतना ना गर्मी बा, ई साइकिल चलावे में हालत खराब हो जाता है। दीदी प्रणाम। खुश रह। दीदी जीजा जी कहाँ हथी? अच्छा चल दीदी घर में तोरा ला खजूरी बनैले बारी। लोग कहेला कि बेटा छोड़ दी, लेकिन बेटी ना छोड़ी। लेकिन यहाँ धीरे धीरे जमाना बदलल जा रहा बा, साइकिल पर से गिरा दे चुपचाप चल गए, लेकिन पूछबो ना कहल कि बाबू चोट लागल हो कि ना। हाय रे जमाना। हमर जूझी तकाव ना चला भाग, कितना मेहनत से एगो रोटी बेला अगो खराब कर देला तो हमें कहीं मतार के बिलगावेला। जब कान में दम ना होके तो मेहरारू से झगड़ा ना करके चुपचाप बनावा खियाओ। साला सब तोहनिया के चलते होता, तोहनी के आम ना खोले रहते तो हमरा के छोड़ के ना निभा गई। सुना ना भैया, तू मेहरारू निमन आती हो ना तो तोरा छोड़ के ना भगती हो, तू मेहरारू तो एक नंबर खचरी हो। ठीक कहत रे भैया, इनका मेहरारू के दुगो आम का खा लेनी है, लगला का छौकी से मारे, अगर जो उठा के पटक देती तो बेलवा तक फूट जाय। अरे बाप रे बाप, काय चक्का सरवा रोए मतारी के बेल फूट देबी। हां बाहर चोट जरा लार भुगे घटारी हमरा बोला चल दे। अरे साला हमें तो ही बानी, तू हमरा बेटा का मारता रे। मतलब कहां से कहां ये लोग पहुंच जाते हैं? मैं छोटा के मारता हूं तो मार साला के मिल के। चल चल चूके बर्बाद हो जाले। बाबूजी के कहले हर एक साल गाछो बेच के हटा दिए तो बेचबे ना करल हथिन। कयो गाछ बचल?
चार गो दू गो आंधी में गिर गए कारे साला तोरा बाप के गाछी हो कि आम तुरले हा मार चमेटा के मुहे पार दे हम धर सलाम नीचे ए त तोर कोनो आम तुर लिया का हो हम त नीचे से चुन लिया ए छोड़ा ए आम चुन आ चाहे तुर बात बराबर हो धरम नीचा ना हम ना रखम ना रखबे मार लात के गुहु ना गिरा देबु ए तही गुहु गिरा दे चाहे मार के मुआ दे लेकिन हम आम ना रखम काहे कि हम आम चुननी ह ए त चुन ले त हमरे गाछी में से ना चुन ले हा हां त हम रख नीचा ए हम ना रखबाऊ कितना बेर कहियो कि तुर लियो ना चुन लियो बाबूजी बड़ी थुथुर भाई छौड़ा केकर लेके बारे रे झोरना के देख बबू झोरना के बेटा हो चाहे खोखोरना के हम प्यार से कहतनी कि आम चुप चाहे नीचे रख दे ओ टकलूचा दिमाग खराब मत कर हम आम ना रखो काहे कि हम आम चुननी ह बाप के नाम टकलूचा ना लोथा राय बा लोथा राय आम रखबे कि ना ए हम ना रखम आम अरे यार माधर चोट कितना भारी बारे रे जानवे लखन पे टक्कर होबे का उतर जा घर में ताला लागल हो ओ भाई घर में ना आई कोनो जा दूसरा जगह मांग लियो आराम बाहर जदा मार के मुहे पार हमें तो दिखा नहीं बुझाता कारी बना दिया दमाद बन पापा हो माई कहूं गाछी में करे तो चलो गाछी में चल ऐसा हालत है सब देख के तो यही सोचेंगे ना इटा कलवा बेटी हमरा के एगो आमला मरला का जब ले हमरा आम दिन तब ले हम जान नहीं आई थे ए छोरा इधर जो यहां से बिहान से नहीं है करे यही आमला बेटा से झगड़ा भेल तो बेटा बाहर भाग गेल आ तू चोर से आम दे ले आ जाय दहू एगो आम से कथी हो जते नन्ना जी हम आ गेली दादवा मुंह में मुतलौ है का भाई रे मुंह में तो ना मुतलौ ख लेकिन पापा के हगा हगा के मरलो सब गुड़ा ए जीजा जी काहे ल रुअ तरे पहली टाइट आम खाई दामा जी दारू कपड़ा ऊपर का हो सब सरवासा कपड़ा ऊपर फर फर के मरलो ख चुपी चुपी तो ये गुआ ढीलाम खाई ओकनी के ई मजाल हम ना रहनी है तो हमर सीधा साधा दुल्हा के सब गरा मिल के मरला हम अपन बाप के टकला के कसम खा के कहत हन जबले ओकनी के हागा हागा के ना मारम तबले हम चैन से ना रह चली चल बेटा सच में भाभी जी काफी खतरनाक है भाई मतलब नेक्स्ट पार्ट में एकदम फाइटिंग वाइटिंग देखने को मिलेगा गाइस भाभी जी बहुत ज्यादा गुस्से में है अब जाएंगे तो हर एक देवर जी को एकदम चुन चुन के खबर लेंगे ये तो पक्का है ना बट कुछ भी हो गाइस वीडियो काफी मजेदार था एंड इसमें जो मतलब सीन है आम तोड़ने की ये देख के मुझे भी याद आ गई कि मैं भी जब छोटी थी तो मैं भी ऐसा करती थी और मुझे भी ऐसे लोग भगाते थे मारने के लिए तो वो दिन याद आ गई बाकी वीडियो का स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी बहुत मजा आया देख के तो आप लोगों को कैसा लगा गाइस आज का ये वीडियो साथ में मेरा रिएक्शन प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताना बहुत दिन के बाद मैंने विराज भैया का वीडियो पर रिएक्ट कर रही हूँ सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना थोड़ा बहुत शेयर भी जरूर करना ठीक है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियोज के साथ तब तक के लिए टेक केयर लव यू